और ये आप सबने अपने घर पे अपने मम्मी पापा के पास में देखा होगा कि हम जब मार्केट जाते हैं या मॉल्स जाते हैं तो क्या करते हैं, मनी लेके जाते हैं कि कुछ भी हमें परचेज करना होता है तो हम मनी देते हैं और जो सामान हमें खरीदना होता है वो हम खरीदते हैं। तो मनी इज अ मेथड ऑफ ट्रांजेक्शन कि इससे हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, मनी देके जो चीज हमें परचेज करनी होती है वो चीज हम परचेज करते हैं। व्हाट इज करेंसी, तो हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है कि अलग अलग करेंसी होती है हर कंट्री की। जैसे इंडिया में अभी है रूपी, रूपी टू फॉर्म्स में हमें देखने को मिलती है, फर्स्ट इज कॉइन एंड सेकेंड इज नोट। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज मनी एंड व्हाई वी नीड इट। तो सपोज हम लोग किसी शॉप पे जाते हैं, आपका चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, आपको चॉकलेट चाहिए और आप किसी शॉप पे गए तो आप क्या करेंगे, शॉपकीपर को मनी देंगे और चॉकलेट बाय करेंगे। तो ये क्या हुआ, एक ट्रांजेक्शन हुआ। मान लो कि आप मॉल गए, आपने वहां से कुछ खरीदा तो क्या करेंगे, आप पैसे देंगे और जो भी सामान आपको खरीदना है वो आप खरीदेंगे। तो हम क्या करते हैं, मनी से हमारी जो जरूरत का सामान है वो परचेज करते हैं। इन एवरी कंट्री देयर इज अ करेंसी, हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है। इन इंडिया वी यूज रूपीज एंड कॉइन्स। हमारे इंडिया में हमें करेंसी टू फॉर्म में देखने को मिलती है, फर्स्ट इज नोट्स एंड सेकेंड इज कॉइन्स। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, हम कुछ नोट्स देखेंगे, कुछ कॉइन्स देखेंगे। दिस इज वन रूपी, ये कॉइन आपने सबने देख रखा होगा स्टूडेंट्स, ये क्या है, वन रूपी। ये किसका बना है, मेटल का बना है। टू रूपीज, ये कॉइन है टू रूपीज का, ये भी मेटल का बना है। फाइव रूपीज कॉइन, दिस इज ऑल्सो मेड बाय मेटल। तो ये कॉइन्स है ये किसके बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं। नाउ आई विल शो यू सम नोट्स, दिस इज फाइव रुपीज नोट, दिस इज टेन रुपीज नोट। बच्चों जैसे आप देख पा रहे हैं ये नोट किसके बने हैं, पेपर के बने हैं। दिस इज ट्वेंटी रुपीज नोट, हंड्रेड रुपीज, ये सबने देखे होंगे हंड्रेड रुपीज, एंड टू हंड्रेड रुपीज एंड 500 रुपीज। सो स्टूडेंट्स, कुछ कॉइन्स और नोट्स हमने देखे, दीज आर कॉइन्स, दीज आर मेड ऑफ मेटल एंड दीज आर नोट्स, दीज आर मेड ऑफ पेपर। मनी इज रिक्वायर्ड टू बाय थिंग्स इन आवर डेली लाइफ, कि मनी की हमें कब नीड होती है, कि जब हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं डेली यूज में, हमें बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, जरूरत का सामान होता है वो खरीदते हैं, हम जब शॉप पे जाते हैं तो हमें मनी की जरूरत होती है। मनी इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, इंडियन करेंसी इज यूज्ड इन टू फॉर्म्स, रुपीज एंड पैसे। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन करेंसी जो है वो टू फॉर्म्स में हमें देखने को मिलती है, फर्स्ट इज रुपीज एंड सेकेंड इज कॉइन्स। Now look at here, we use the symbol of rupees, ये rupees के लिए जो है हमारा ये symbol है, और पैसे के लिए हम ये symbol use करते हैं। This is symbol of rupees and symbol of पैसे। We use the symbols rupees and पैसे to represent rupee or rupees and पैसे respectively. Here are some coins used in our daily life. तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम कुछ coins का use करते हैं daily use में, coins जैसे बताए थे मैंने, these are coins, आप अपनी book में भी देख सकते हैं, 50 पैसे, 1 रूपी, 50 पैसे, 1 रूपी, 2 रूपी, 5 रूपी, 5 रूपीज एंड 10 रूपी।
ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि मनी क्या है, मनी कैसे यूज किया जाता है, हम कहाँ पे यूज करते हैं, लिखते कैसे हैं, पैसे कैसे लिखते हैं, रुपीस कैसे लिखते हैं, जब पॉइंट का यूज हम कहाँ पे करते हैं, नोट्स और पॉइंट्स जो आपने देखे उससे आपको समझ में आ गया होगा कि बताया कि नोट्स जो है पेपर के बने होते हैं और पॉइंट्स जो है मेटल के बने होते हैं। हमारे इंडिया में जो करेंसी यूज की जाती है उसे हम रुपीस कहते हैं, और ये जो करेंसी है टू फॉर्म्स में हमें देखने को मिलती है, नोट्स और